चलिए गाइस, तो अब आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेके आया हूँ। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपके साथ रीबार बी मॉड्यूलर की प्रोफाइल के मेरे गुरुकुल के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रोमियो पॉल के साथ आपके साथ मुलाकात कराने वाला हूँ। आज थोड़ी सी मेरी आवाज़ गड़बड़ रहेगी, बट मेरा स्टूडेंट संभाल लेगा, तो आपको कोई मुझे टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है। बस आप 1 घंटे सीखिए एग्जैक्टली कैसे कैसे करियर को इन्होंने स्विच किया, कैसे इन्होंने बीप के बारे में जाना, किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल किया, उन सारी चीजों को। मतलब ये मेरे वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट में से एक है पॉल, तो आपको बहुत ही डेप्थ में समझाएंगे। आप इनकी जर्नी से 1 घंटे में काफी दिन का, काफी महीने का, या फिर बोलो काफी साल का एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। सो फोकस होके सुनिएगा, समझिएगा, और आपको कैसा लग रहा है हमारा पॉडकास्ट नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। चलिए पहले तो हम पॉल का स्वागत करेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म पर। पॉल, तुम्हारा पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस अपने गुरुकुल थैंक के यू सो प्लेटफॉर्म मच पे। सर। चलो पॉल, सबसे पहले तो तुम सबको ये बताओ कि कैसे तुमने, कब तुम्हारा पास आउट हुआ, और उसके बाद तुमने कैसे बीम के अंदर एंट्री किया, एंड अपनी एक थोड़ी सी जर्नी का झलक दे दो। एक ट्रेलर अभी आया ना, मतलब मूवी के जैसे ट्रेलर आता है, वैसे थोड़ा ट्रेलर बता दो। जी जी बिल्कुल सर। एक्चुअली मेरा इसी रिसेंट ईयर में 2023 में ही मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है। उसके पहले ही, मतलब मैं नवंबर के बैच का हूँ, तो उसके पहले ही मैंने कंप्लीट के पहले ही बीम का परमिशन सुना था आपसे ही, आपके बैच के एनरोल हुआ भी हूँ। तो हाँ, मैंने बीटेक किया है, उसके पहले डिप्लोमा भी किया है। तो अभी मैं रिबर बीम मॉडलर के पोजिशन पे हूँ लास्ट 5 मंथ से। जी लास्ट 5 मंथ से। अच्छा, जो तुमने सर। मतलब कि जिस तुम कॉलेज से तुम डायरेक्ट जाएंगे बीम, जैसे मैं कॉलेज के बाद, मुझे नहीं पता था बीम के बारे में, तो जी तुमको सर। कॉलेज के बाद कैसे, क्या कॉलेज के साथ ही कैसे पता चल गया कि ये बीम नाम की टेक्नोलॉजी होती है? तुम गूगल जी वगैरह सर, किया था? एक्चुअली मैं जब डिप्लोमा कर रहा था तो तब से मैं आपका, बहुत पहले वो बात है जब आप यूट्यूब पे आते थे, तब तो गुरुकुल का आया भी नहीं था। तो उसमें आप हाँ गाइड करते थे हम लोगों को कि कैसे ऑटोकैड में एडवांस हो सकते हैं हम लोग, स्टेट हाँ में, आरसीडीसी में। मैं तो आरसीडीसी में तो आपसे ही पहली बार सुना था सेफ हाँ के बारे में, तो मैं डेली आपका वीडियो वॉच करता था। तो ऐसे ही आप एक दिन बीम के बारे में आया। मुझे एक्चुअली पहले से ही मॉडलिंग पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, या स्ट्रक्चर पे भी था लेकिन मॉडलिंग पे ज़्यादा था। हाँ तो मैंने तो आपका बीम ये क्या चीज़ है, जब मैंने पता चला बीम के बारे में, तो मैंने उसके बाद रिसर्च करना स्टार्ट किया। आप भी रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई वीडियो डाल ही देते थे बीम के बारे हाँ में, तो भी डेली बेसिस पे देखता था। तो ऐसे ही मेरा जितना भी टाइम गया, मेरा इंटरेस्ट भी उतना भी ज़्यादा डेवलप होता गया। तो हाँ, एक एक सर्टेन टाइम के बाद तो मैं आपसे कांटेक्ट भी करने लगा और आपसे बात भी हुआ, उसके बाद आपके बैच पे एनरोल भी हुआ। आई थिंक तुम्हारा गुरुकुल का दूसरा बैच ही था, आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है ना। हाँ सर, 1 साल पहले नवंबर के बैच में हाँ, मैं एनरोल हुआ मतलब था। जस्ट विकास की बैच जो कंप्लीट हुई, उसके बाद तुम्हारी बैच चली थी, हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल, उसी उसके समय बाद मेरे स्टार्ट बैच हुआ में। था गुरुकुल का। चलो, तो मतलब जी तुम सर, जी एक्चुअली तुम सर। पहले से जुड़े थे शायद, इसलिए तुमको पहले से अवेयरनेस हो गया। बहुत अच्छा किया एक्चुअली पॉल तुमने। तुम्हें अब अच्छा लग रहा होगा कि हाँ यार, कंपेयर टू योर फ्रेंड्स जैसे जो अभी भटक रहे हैं, एटलीस्ट तुम्हारा कैरियर का एक लाइन मिल गया। अब धीरे धीरे अपग्रेड होता रहेगा, है ना? हाँ सर, एक्चुअली मैं कॉलेज के टाइम से ही मैं मॉडलिंग पे ज़्यादा ध्यान देता था। तो मेरा सर, टीचर लोग या फिर मेरे फ्रेंड लोग सब बोलते थे ओनली मॉडलिंग से क्या होगा, थोड़ा सा पढ़ाई भी ज़्यादातर करो। तो मेरा पहले से ऐसा था कि मैं ऑटोकैड करता था बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब 3D में पता चला तो स्केचअप, 3DS मैक्स में कुछ ना कुछ करता था पागल की तरह। मैंने कुछ ना कुछ नहीं तो करना है लाइफ में, तो ऐसे ही मैं साइट में नहीं जा सकता। तो मैं एक्चुअली मेरा एक मंथ का एक्सपीरियंस भी है, बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। तो इसके लिए मेरा, मैंने एक ही चांस था कि मुझे मॉडलर बनना ही है। तो जैसे जैसे मैं बीम के बने पता चला, तो उसके बाद तो आपको पता ही है सब कुछ। हाँ ठीक है। हाँ नहीं, अभी कैसे कि हम जी लोग को तो पता है, मैं चाहता हूँ ना कि जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो तो पहली बार देख जी रहे हैं, सर। कल भी मैं तुम्हारा ना, मतलब ऐसे बच्चों को दिखाता हूँ कि प्रीवियस किसने पोर्टफोलियो बनाया। कल तुम्हारा जी सर। पोर्टफोलियो मैं जस्ट दिखाया, तो मुझे याद आ गया, उसी समय मैंने तुमको मैसेज किया। मैं एक्चुअली एक बैच में पढ़ा रहा था, उसमें लोगों ने बोला सर पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, उस बैच में सिखा रहा था पोर्टफोलियो बनाना, तो मैंने तुम्हारा पोर्टफोलियो सैंपल के रूप में उनको दिखाया। सब बच्चे एकदम खुश, इतना अच्छा पोर्टफोलियो। जो तुम्हारा फाइनल वाला प्रोजेक्ट था, G+25 जी का था ना, आई थिंक 20 का था, हाँ ऐसे कुछ सर। हाँ, था। वो मेरा आज तक का बेस्ट पोर्टफोलियो रहा। हाँ, तो वो प्रोजेक्ट देखने के बाद मैंने उनको बताया कि तुम लोग एक्सक्यूज करते हो कि लैपटॉप अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इस बेचारे का तो लैपटॉप भी अच्छा नहीं था, इसने एक एक करके कर करके, मुझे पता है तुमने बहुत मेहनत किया है, और जो जी सर, तुमने, ये बात मैंने भी बोलने वाला था कि हाँ ये जो सम्यक है मुझे बहुत हेल्प किया है हाँ लैपटॉप के मामले में, क्योंकि मेरा हाँ सिस्टम बहुत हैंग करता था, लैग हाँ करता हाँ था, रेंडरिंग तो होता ही नहीं था ठीक से। तो मैं सेक्शन बॉक्स डाल के हाँ एक एक फ्लोर का करता था।
जो काम 10 दिन से होना हो जाना था उसका मैं 1.5 महीना 2 महीने से लग रहा है एक ही प्रोजेक्ट पे। नहीं हाँ, देखो तो ऐसा ऐसे होता ऐसे करता था तो ये सौम्यक सच बहुत में बहुत मेहनत। अच्छा था एक्चुअली। हम लोग सौम्यक का भी बहुत जल्दी पॉडकास्ट, मतलब नेक्स्ट पॉडकास्ट सौम्यक का ही है, ठीक है, उसका भी हाँ करने वाले हैं तुम्हारे बैच में। इस कैसे होता है कि हर बैच में कुछ मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्चुअली में बहुत मेहनत करते हैं, तो मैं तुमको उस श्रेणी में इसलिए रखता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास सिस्टम नहीं था, ज़्यादा तुम्हारे पास नॉलेज नहीं था, लेकिन ये था तुम्हारे अंदर कि मुझे करना है, ये चीज जी मुझे सर, तुम्हारे अंदर बिल्कुल दिखता था। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं यार क्या बोलते हैं, जो भी मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए करूँ, और डेफिनेटली मुझे उसका रिजल्ट। और देखो देखो तुरंत, बल्कि तुम्हारा लगने के बाद तुरंत कम्युनिकेशन का भी थोड़ा सा पंगा था स्टार्टिंग में, फिर हाँ धीरे सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम धीरे होता था मुझे, बहुत ही हाँ ज़्यादा। मैं बोल नहीं पाता था, मेरा जुबान अटक जाता था बीच बीच हाँ में। तो अभी तो बहुत क्लियर मैं हो रहा है। इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, तो ऐसा ही है देखो कम्युनिकेशन दो लाइफ लॉन्ग वाली चीजें हैं, कोशिश किया करो जी ना सर। उसके रिलेटेड ना कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते रहा करो, जी जी बिल्कुल क्योंकि कम्युनिकेशन मतलब क्या है कि जो आप खाते हो वही आप बोलते हो, खाना इन द सेंस वर्ड जी खाना, जी ठीक है। अभी लोग बोलेंगे खाना खाने, जैसे कि अभी मैं आज क्या बोल, मतलब अभी भी मैं जानती हूँ मैं बुक वगैरह लेते रहता हूँ, जब बुक पढ़ रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, बुक को जब यहाँ सेट कर रहा हूँ तो मेरी शब्दावली भी इसी तरीके से हो जाएगी। तुम जी अपनी सर, बिल्कुल सर, जो हम एडोप्ट करेंगे उसके मेरे हाँ रिफ्लेक्शन तो मेरा हम लोग अंदर तो आ ही जाएगा। तुम्हारे कॉलेज में जिस तुम्हारे जो दोस्त रहे होंगे, देखा होगा तुमने किसी दोस्त का कॉपी तुमने करना स्टार्ट किया, हर कोई करता है, तो जी हम भी वैसे ही करने लगते हैं जैसे दोस्त हमारा करता है ना, तो क्यों ना, जी सर, क्योंकि दोस्त की चीजों को हम खा रहे हैं, और उसी तरीके से अगर किताब को खाते हो बिल्कुल अच्छा होगा। अच्छा ये बताओ कि जब हम बिल्कुल सर। लोग गुरुकुल के अंदर जो मॉक कर रहे थे, उस मॉक का तुम्हें क्या बेनिफिट लगा, लोगों को वो भी बताओ। एक्चुअली सर, मेरा मॉक ही मेरा लाइफ चेंजिंग पॉइंट था, क्योंकि मॉक के बिना तो कुछ हो नहीं पाता। क्योंकि हाँ ओनली नॉलेज तो एक अलग चीज है, कि हाँ रेबिट तो कोई भी कर लेगा, लेकिन अगर कोई इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। क्योंकि मुझे याद है जब मेरा इस कंपनी में जो इंटरव्यू हुआ था, मेरा 1.5 घंटे तक चला था इंटरव्यू। 1.5 घंटे तक 5-6 सर्स लोग थे, तो एक के बाद एक काउंटर अटैक की तरह, रैपिड फायर राउंड की तरह, एक के बुलेट की अटैक तरह आ रहा था मेरे पास। तो मैंने 1.5 घंटे तक इंग्लिश में जो हो पाया मेरा मेरा कम्युनिकेशन, तो ये आपकी गलत आपके जो बैच का जो डेली वीकली बेसिस पे जो होता था, मॉक, तो उसका ही एक बहुत बड़ी हाँ एडवांटेज है मेरा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कैसा होता है मॉक इन द सेंस कि किसी चीज की प्रैक्टिस हो गई, जैसे कि जी अभी सर, बिल्कुल एक बार नई गाड़ी को चलाना है, उससे बेटर है कि हम रोज गाड़ी चला रहे हैं, तुम्हारे लिए तो वही गाड़ी है, चलो देख के आते हैं, जी, ठीक ठीक है। हाँ थोड़ा हो है सकता है कि प्रैक्टिस पल्सर पे कर रहे थे, मिल गई हायाबुसा, तो थोड़ा सा संभाल लेना है, बस हो गया, ठीक जी है। सर। चलो तो अभी मुझे थोड़ा सा अगर तुमको याद हो, क्योंकि तुम्हारा भी कभी मुझे लगता है 4-5 महीना हो गया जॉब लगे हुए अगर मुझे याद है तो, जी सर, जी है सर, ना, 5 मंथ तो 5 मंथ ना, मुझे थोड़ा मेरा मेमोरी ठीक है तो याद रखता हूँ मैं कि किसका जी कितना सर। रहता है। तो क्या बोलते 5 मंथ्स हो गया, तभी तुम्हें अगर याद हो कि तुमसे क्या क्या स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो थोड़ा बताओ लोगों को, एक दो तो क्वेश्चन भी कुछ याद है तो लोगों को बेनिफिट हो सकता है उससे। जी सर, बिल्कुल। पहले तो खुद के बारे में इंट्रोडक्शन ही पूछते हैं ज़्यादातर। मैं जो 3-4 के पास दिया था, उसके बाद मेनली एज ए फ्रेशर आपको मेनली पूछेंगे कि रेबिट के बारे में, रेबिट टूल के बारे में। एक एक वो लोग क्या है ना, कि एक एक टूल के बारे में, मतलब वेरी बेसिक स्मॉल स्मॉल पॉइंट के बारे में वो लोग ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करता है। उसके बाद आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्यों आप इस लाइन पे आए, कैसे आए, क्यों आना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप सुटेबल हो कि नहीं। वो लोग आपको पूरा जांच कर लेते हैं पहले ही 10-15 मिनट के बाद। उसके बाद वो लोग असल टॉपिक पे आता है, रेबिट का एक एक टूल के बारे में पूछता है, करना है कैसे करना है। तो मेरा तो अच्छा ही गया था बहुत, तो ऐसे ही है सर। अच्छा ये सभी पूछे थे क्या, एलओडी वगैरह भी था या फिर केवल रैबिट से तुम्हारा ज्यादा था हाँ तो? सर, नहीं सर, एलओडी बारे में था। उसके बाद ऑटोकैड, एक्चुअली मेरे रेबिट के बारे में ज़्यादा इंक्लाइन था मेरे इंटरव्यू हाँ में। उसके बाद बीईपी था, बीईपी बीम एग्जीक्यूशन प्लान, उसके हाँ बारे में वो क्या चीज़ है, एलओडी 1D 2D 3D, इसके बारे में डायमेंशन के बारे में ही पूछ रहा था। तो हाँ, सब कुछ ही था, लेकिन मेनली जो एज ए फ्रेशर वो लोग रेबिट में ही ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद तो हम लोग तो सीख ही जाते हैं एंटर हाँ करने के बाद फार्म में। मतलब वो लोग और हाँ, तो एक सिखाते दो हैं महीने वो का इसी ट्रेनिंग भी तरह। दे देते हैं। हाँ बिल्कुल अब सर, अभी ये बताओ कि अगर कोई एक फ्रेशर बच्चा है जो कि गुरुकुल को ज्वाइन करे, ठीक है, तो उसको क्या क्या सीखने को मिल सकता है, मींस गुरुकुल उसके लिए क्या सफिशियंट है फॉर टेकिंग द जॉब, जॉब पाने के लिए गुरुकुल में उसको क्या क्या फायदा अगर मिलेगा? जॉब पाने के मामले में तो हाँ, मोर देन सफिशियंट है, इनफ है भाई। मैं तो कहूँ कि बहुत ज्यादा है, गुरुकुल में इतना ज्यादा मटेरियल है कि आप पैर के खत्म नहीं कर सकते, उन्हें इतना ज्यादा है। मैं तो अभी भी पढ़ता हूँ, वीडियोस अभी भी देखता हूँ, तो लर्निंग के तो कोई एंडिंग नहीं है।
तो हाँ, मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा, यहाँ तक कि मैं, मेरा जो भी फ्रेंड मुझे कहता है तो मैं आपके नाम सबसे पहले लेता हूँ। तो इनफैक्ट मेरा जब इंटरव्यू हुआ तब भी मैंने आपका जब नाम बोला तो वो लोग उसमें, अभी मैं जो मेरा बॉस है तो आपको पहचान गया था। बोला अच्छा, उस तो टिकला के कराता है, तो आपको टिकला भी आता है क्या? बोले हाँ, मुझे टिकला भी आता है, तो चलो उसके तो बारे में फायदा मैं हो भी गया पता भाई। है। हाँ सर, तो आप तो इधर पे भी छा गए हो, कलकत्ता पे भी। नहीं मैं कैसे होते हैं, हमारे वीडियोस का रीच कम होता है और जिसके पास होता है अच्छे लोगों के पास होता है, तो ये जी मुझे सर, खुशी हाँ होती हाँ है कि हाँ हमारे वीडियो को भले बिल्कुल सर, 500 लोग भी देखें, भले कुछ लोग लाइक भी ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बात ये कि जो कंपनीज के अंदर है ना, उन लोगों को अपने वीडियो बहुत जा रहे हैं, और जैसे अभी तुम्हारे जैसे कोई स्टूडेंट गया उस कंपनी में, अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो लोग पूछ ही लेते हैं कहाँ से सीखा था भाई। ठीक हाँ है, सर। एक एक तो इस मंथ पे मेरे कंपनी में हायरिंग हो रहा था, तो आपका ही स्टूडेंट था एक, मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, कोलकाता से ही था। अच्छा तो मुझसे कांटेक्ट किया कि भैया क्या करूँ, क्या कैसे करूँ। उसका साइट का एक्सपीरियंस भी था 3 साल का करीब, तो अच्छा वो मुझसे पूछ रहा था क्या करूँ। उसके बाद जब मैंने बॉस को भी बोला कि देख लीजिएगा सर, मेरा एक फ्रेंड की तरह है मेरा सेम, तो मेरा पोर्टफोलियो मांगा, पोर्टफोलियो भेजो मुझे। तो मैंने पहले ही मांग लिया था, रिज्यूमे पोर्टफोलियो मुझे भेज दो। तो मैंने उसको बॉस को दिखाया, वो बॉस भी इम्प्रेस हुआ, और एंड द डे उसका सिलेक्शन हो गया है अरे वाह, अनऑफिशियली। तो मैंने बता दिया पहले ही आपको, लेकिन उसका सिलेक्ट हो गया है ऑलरेडी। अरे वाह, कौन हाँ कौन था नाम, नहीं सर, याद आ तो रहा उसका तुमको? परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, तो हाँ, तो क्वालिटी तो है सर। तो अरे वो जो गुरुकुल का बैच है तो मोर देन इनफ है। आप क्या है ना कि आप तो चलना सिखा देता है, और उसके बाद किसको कितना जल्दी दौड़ना है या बुलेट की स्पीड पे दौड़ना है वो तो उसको ही डिसाइड करना है। तो आप तो बहुत ज्यादा ज्ञान दे देते हो, तो अरे वाह, उसके बाद थैंक तो यू उसका ही थैंक यू। अब ऊपर बस जाते करो, हो। इससे ज्यादा मैं बचाने को मुझे थोड़ा पानी नहीं सर, लगेगा। मेरे लिए तो मैं एक टाइम था जब मैं होपलेस हो गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, 3 साल डिप्लोमा कर रहा हूँ, उसके बाद बीटेक में एडमिशन लिया हूँ, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है, तो जैसे जैसे किया है तो हाँ, एक टाइम के बाद तो मुझे भी होपलेस हो गया था मैं। तो उसके बाद तो आप ही आए। देखो मेरा सीधा मानना है पॉल, अपने ना फाइनेंशियल कंडीशन पे कभी भी किसी को नहीं होना चाहिए कि यार अपने मैं कैसे, मैं तो तुमको सब जी क्लास सर, में भी बताता हूँ कि मेरे पिताजी जी ऑटो सर, ड्राइवर थे, ठीक है, तो मुझे इस बात का कोई शर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत करके मुझे पढ़ाया ना, मुझे इस जी लायक सर, बनाया, बिल्कुल, ठीक है। तुम्हारे मम्मी ने कितना मेहनत किया मुझे बहुत अच्छे से पता बहुत है, ज्यादा, ठीक है, यस सर, यस तो सर, ये सब चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करती है। तुम्हारे बारे में भी मतलब जानता हूँ, मैं तो लब्बा जानते हो, हर किसी के बारे में पर्सनली पूछता ही हूँ, और ये जी सर, पूछने का मेन रीजन क्या रहता है, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ती है। अब देखो तुम्हारे बैच में जितने लोग थे, लगभग सबकी स्टोरी मुझे पता है ना, जी सर, जी सर, और अच्छी बात यह है कि एक साल से ज्यादा हो गया होगा, एक साल हो गया होगा बैच कंप्लीट हुए, मुझे लगता है हाँ लगभग सर, एक साल, एक एक साल साल, हो, लेकिन फिर भी मुझे एक याद साल है। नहीं हुआ है, हाँ या 10 मंथ मैं आसपास, 10 मंथ यस। मान लो, ठीक है, फिर भी अपने को याद है ना कि किसका कैसे कैसे क्या था। तो उस बीच में मैं तुम्हारा कई बार लोगों को बताता रहता हूँ, लोग एक्सक्यूज करते हैं कि यार सर मेरे पास ये समस्या, ये समस्या, मैं बोलता हूँ यार अभी समस्या के नाम लोगे तो अभी बताऊंगा स्टोरी तो तुम लोग खुद ही रोने लगोगे, कि अगर उस सिचुएशन में भी इंसान कर सकता है, ठीक है, तो फिर तुम लोग तो वो नॉर्मल समस्या है कि एक बार जॉब पे जा रहे हो, बस पार्ट टाइम में 4-5 घंटा निकालना है और निकाल के 4 महीने में सेट हो जाना है। तो इसमें तुमने किया, देखो तुम्हारे बैच में सौम्य जी कितना सर, अच्छा किया, लोकेश तुम्हारे बैच में कितना अच्छा हाँ सर, किया, लोकेश भी था, कितना हाँ मेहनती है, उसका भी पॉडकास्ट करूंगा जल्दी ही, हाँ ठीक बिल्कुल है। सर, तो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो दिमाग में एकदम छप जाते हैं, ठीक है, और जी डेफिनेटली सर, दिल पे भी उनका एक अलग ही रिस्पेक्ट रहता है, जी तो सर, मतलब उसमें से चलो तुम लोग भी करते लिए बहुत अच्छा किए। अब बताओ तुम्हें क्या बोलते, देखो कैसे है कि भी चलो ठीक है, ट्रेनिंग हो गई, जॉब लग गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तुमने बता भी दिया कि लोगों की जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। मैं चाहता हूँ इसके बाद भी तुम कुछ ना कुछ सीखते रहो पॉल, ठीक है, मतलब जैसे जी घर पे सर, भी हो, जी जी ठीक है, तो जैसे कि बुक रीडिंग भी किया करो। तुम्हें इस पॉडकास्ट के बाद तुम्हारा भी एक बुक बोल ही दिया मैंने, तो एक्चुअली एक गिफ्ट तुम्हें मिलेगा मेरी तरफ से, तो उस बुक को पूरा पढ़ना बिल्कुल पढ़ना, ठीक है, तो सर, मतलब कि बिल्कुल, बुक थैंक इन द यू, सेंस कि हम जस्ट एक आदत डलाते हैं, क्योंकि मेरा काम तो आदत डलाने का ही है, ठीक है। एक जी बार सर, बिल्कुल सर, हाँ हाँ मैं आपको इसके बारे में तो आदत बहुत ज्यादा अच्छे से पता है, क्योंकि 4 मंथ आपने मुझे ऐसे डला बंद कर रखा था, मतलब पूरा मैंने पहले टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत बुरी थी, उसके हाँ बाद मैंने टू डू लिस्ट बनाना सीखा, उसके बाद उसको मेंटेन करना सीखा। पहले 1 मंथ तो टू डू लिस्ट मेंटेन होता ही नहीं था, हाँ तो उसके बाद उसको जो डिसिप्लिन में लाना था तो वो आप में हाँ बहुत ज़्यादा हेल्प किया, डिसिप्लिन, सेल्फ हाँ डिसिप्लिन जो होता है, तो वो तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ मुझे। बहुत अच्छा है तुमने, देखो कैसे होता है, मुझे ऐसा लगता है ना किसी भी चीज को टाइम देने लगो ना वो आपका होने लगता है,
ठीक है, मतलब जी जो सर मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर आप बुक टाइम दो, नॉलेज आपका होने लगता है, ठीक है, जी आप सर क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर को दो तो सॉफ्टवेयर तुम्हारा होने लगा। देखो पहले रैबिट से तुम्हारी बिल्कुल दोस्ती नहीं रही होगी, फिर नहीं रैबिट्स के सर साथ बिल्कुल थोड़ा नहीं सा था धीरे 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 धीरे, तुम कहाँ G+25 छोटे से लैपटॉप में। अब तो जी तुम सर चलो हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम यूज कर सकते हो, अफोर्ड भी कर सकते हो ऊपर वाले दया से, जी बिल्कुल ठीक है, सर लेकिन कोशिश करना कि अभी इसके बाद कि हम न्यू टेक्नोलॉजी को भी सीखते रह सकते, तुम API को सीखने, मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा तुमको कि न्यू सीख के और हायर के लिए हम दिमाग में डालते रहे। लिंक्डइन यूज करते हो कि नहीं रेगुलर बेसिस, क्योंकि मैंने क्लास में तो बताया था हाँ सर आपको लिंक्डइन हाँ यूज सर कर। बिल्कुल फॉलो करते हैं सर। अभी तो हाँ बहुत कनेक्शन भी हो गया है बहुत 2,500 बढ़िया, के आसपास। अरे वाह क्या बात है, ठीक है, बहुत हाँ बढ़िया। सर एक्टिव हो लिंक्डइन पे मैं बहुत ज़्यादा। अरे नहीं बहुत अच्छी बात है, 2,500 कनेक्शन मतलब एक अच्छा तुम एक्टिव हो, और डेफिनेटली तभी तो 2,500 आया हुआ है। और हाँ एक दो बार मैंने देखा तुम्हारा कोई पोस्ट तुमने लाइक किया था, तो उसे नोटिफिकेशन में मिल जाता है मुझे भी, मैं जी भी सर कोशिश करता हूँ कि मतलब नहीं कुछ तो 15 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, 15 मिनट के तौर पे तुम्हें जरूर। अच्छा ये हाँ पोर्टफोलियो पर डिस्कस करते हैं अपन, पोर्टफोलियो का क्या रोल रहा है तुम्हारे कैरियर को चेंज करने में, कैरियर को बनाने में, तुम्हें क्या लगता है? तो मैं तो कहूंगा कि पोर्टफोलियो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बिना तो मुझे नहीं लगता था कि मैं अभी इस पोजीशन पे था हो पाता कभी भी। क्योंकि एचआर जो पहले मुझे कॉल किया था प्री टेलीफोनिक इंटरव्यू में, तो उसमें तो मेरे बारे में कुछ पूछा था। तो वो मैम जो था वो मेनली पोर्टफोलियो से ही इम्प्रेस हुआ था, मुझे मेनली बुलाने का मकसद ही वही था। तो हाँ पोर्टफोलियो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना हो सके जितना डिटेल में जा सकता है कोई, तो जितना उसका आता है तो सब कुछ उसमें डालना चाहिए। क्योंकि पोर्टफोलियो रिज्यूमे में तो ऊपर ऊपर से दिखता है, लेकिन पोर्टफोलियो में आपको कितना आता है तो पोर्टफोलियो में ही डालना पड़ेगा आपको। कि मैंने ईच एंड एवरी पार्ट जितना है मुझे आता था डिटेलिंग में, शेड्यूल से, डिटेलिंग से, शीट से, जो भी हो सकता था जितना हो सकता था मैंने दिया। तो पोर्टफोलियो से ही मुझे लगता है कि मेरा अच्छा जो भी हो पोर्टफोलियो से ही हूँ। पोर्टफोलियो तो करेक्ट मैंडेटरी है, करेक्ट है, पोर्टफोलियो मैंडेटरी है, उसके बाद उसके साथ साथ आपका जो कम्युनिकेशन आता है तो उसको करना है। तो ये दोनों अगर हो गया और बाकी का सॉफ्टवेयर तो आप सिखा ही देखो देंगे, तो बस भाई इतना अगर जरूर। किसी को कॉल का तो पोर्टफोलियो सच में बहुत अच्छा है, अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारे यूनिक सिविल ऐप में मैसेज करोगे तो मेरे टीम के पास मैं भेज दूंगा, वो लोग आपको फॉरवर्ड कर देंगे। इंडिविजुअली नहीं कर दे सकता हूँ क्योंकि ये उनका भी एक पर्सनल हुआ है, लेकिन हाँ जिन बच्चों को मैं जानता हूँ उनको शेयर करने मुझे कोई समस्या नहीं है। तो आप ऐप मैसेज करके पॉल का किसी कोई भी पोर्टफोलियो चाहिए किसी को, और इनका रिज्यूम भी मेरे पास है, अगर रिज्यूम भी चाहिए तो आप देख सकते हो, रेफरेंस के लिए, कॉल के लिए नहीं कि भाई कहाँ हो कैसे क्या करो। लेकिन कुछ लोग जुगाड़ लगाने लगते हैं ना, जुगाड़ लगाना बुरा नहीं है, बट कैसे होता है कि मान लो तुम अभी कंपनी में हो, अगर तुमको जी ज़्यादा लोग कॉल करने लगे तो तुम एक टाइम के बाद तुम्हारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, वो मुझे है, लेकिन हाँ हाँ कोई करता है अभी भी करता है। क्योंकि मुझे पहले रिज्यूमे अपलोड किया था तो कोई करता था कॉल, उसके बाद लिंक्डइन से भी मैसेज आता है। अच्छा लगता है एक्चुअली सर, मुझे अच्छा लगता है किसी को गाइड करने के लिए, क्योंकि मुझे भी टीचिंग का पैशन है। तो हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मुझसे पूछता है, मैं इसको गाइड दे पाता हूँ और उसको सच में उसका कोई बेनिफिट होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ लेकिन कैसे होता है कुछ लोग ध्यान नहीं देते कि वो ऑफिशियल टाइम कैसे होता है। अभी मान लो मेरा ही कोई एम्प्लॉई है, अगर वो दिन भर फोन पे है तो मुझे बुरा लगेगा ना कि मेरा काम नहीं जी कर सर रहा है, बिल्कुल वो है तो ना, है। तो ये थोड़ा सा अगर लोग अंडरस्टैंडिंग करें तो अच्छा लगता है। जैसे मैं एक हाँ सर लड़का को बिल्कुल अभी पॉडकास्ट किया था तो कई लोग नंबर मांगने लगे मुझे कि सर इनका नंबर दे दीजिए, देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और उस लड़के को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर मैं सबको दिया तो एक लिमिट होती है ना सबकी, अपने जी सर काम बिल्कुल को ऑर्गेनाइज करने का। अभी मान लो मुझे ही कोई सबको ही कॉल करने लगे, मैं नहीं उठा पाता हूँ, सच्चाई तो यही है, लोग मैसेज करते हैं सर आप फोन नहीं उठाते, और लेकिन प्रैक्टिकली तो तुमको अच्छे से पता है 6 बजे रात को 12 बजे तक बैच रहती है, ठीक है, तुम्हारी जी बैच का सर टाइमिंग क्या था, रात को था 10 वाले बजे हाँ मेरा बैच था, 9 से 9 से हाँ सर 9 से था तुम्हारा ना, 9 से जी सर 10:30 तक तुम्हारा बैच रहता था लगभग, राइट, जी सर हाँ सर हाँ तो मेरा तो साढ़े परफेक्ट टाइमिंग था। हाँ 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 ठीक, अभी जो लास्ट बैच है वो 12 बजे तक है, अब 6 बजे से 12 बजे अच्छा तक तो आदमी वैसे ही बिजी है तो कॉल कब उठाएगा, ठीक है, तो हाँ इस तरीके हाँ का, फिर बिल्कुल सुबह 7 बजे से दूसरी मैच रहती है, पर ठीक है मुझे भी जी अच्छा, तुम जानते हो मैं कभी भी टीचिंग को कभी प्रेशर लेके नहीं पढ़ाता, मतलब रिलैक्स होके पढ़ाना है, ठीक है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं रिलैक्स रहोगे, प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के सिचुएशन को समझ के पढ़ाना, ठीक है, जी वो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हवा में बातें करना, बड़ी लंबी लंबी इंग्लिश में स्पीच दे देना, वो मुझे टीचिंग नहीं लगता है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली एक मैंने वो ज्वाइन किया था, एक वेबिनार टाइप का ज्वाइन किया था, तो एक भाई साहब आया, वो ये नहीं देख रहे हैं कि सामने जो ऑडियंस है, वेबिनार नहीं क्लास बोल सकते उसको, तो ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी तो समझना जरूरी है ना, ठीक है, बिल्कुल सर पता तो क्या बोलते हैं, तो तुमने देखा ही होगा कि मैं तो बहुत पूछता रहता हूँ, बताओ इसका मतलब समझे कि नहीं समझे,
हाँ सर, ऐसा तो हाँ होता ही था। हाँ डेली जो लाइव क्लास होते थे उसमें हम लोग कभी कभी, डेली तो हम लोगों का पर्सनल सेम नहीं रहता होगा, हाँ तो कभी कभी हम लोग की भी डर लगता था क्या होगा आज ठीक से हाँ नहीं करके लाए। तो आप उस टाइम पे डांट के साथ साथ मोटिवेट भी करते थे, ऐसे नहीं सब डांट के छोड़ दिए। उसके बाद हाँ जो मोटिवेशन देते थे तो वो बहुत ज्यादा एक्सलेट किया हम लोगों को। तो हाँ बहुत नहीं ज्यादा आपका मेनली जो बिल्कुल डिसिप्लिन होता हाँ है, जो मतलब डेली बेसिस पे जो वर्क कल्चर है वो बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लगा। सही बात है। नहीं डांटना कैसे होता है, मैं कभी कभी भी डांटता हूँ, अभी कल भी डांटा था हाँ बच्चे को, हाँ अब नहीं डांटू बताओ, अगर वो तुम आए हो मेरे पास बनने के लिए ठीक है, अगर मैं डांटूंगा नहीं तुम काम असाइनमेंट्स करके नहीं आओगे, स्वभाव जी सी बात सर, है तुम सीखोगे कैसे जी ठीक सर, है। बिल्कुल सर, तो मतलब कि अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि लोग अगर मुझे फी पे किए हुए हैं, तो लोग नहीं पे किए एक्चुअली, लोग थोड़ी करते, उनके घर वाले करते, इस भरोसे जी से जी मेरे पास भेजे हुए हैं कि नहीं ये सीखेगा बढ़िया से, वहां जाएगा, इसके बाद 4 महीने बाद इसकी जॉब लग जाएगी। अब 4 महीने जब तुमने प्रैक्टिस ही नहीं किया और अटेंड ही नहीं किया, तो मैं क्या कर पाऊंगा। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी जी होते सर, होंगे कि मतलब ऐसा भी जरूर होता होगा कि कुछ लोग ऐसे बोलते होंगे कहाँ से सीखो, ये तो पूछते ही होंगे, लोग पूछ लेते होंगे बिल्कुल सर, ठीक है। पूछते हैं। ये दो कंडीशन पूछा जाता है, या तो जब बहुत बुरा करते हो या बहुत अच्छा करते हो ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल तो बिल्कुल हम नहीं चाहते कि एटलीस्ट बहुत बुरा वाले में रहो, नहीं तो बीच वाले में तो रहो ही, अच्छा वाले में रहो, तो फिर क्या ही मतलब हाँ होगा सर। मेरा जो ठीक है। मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो ट्रेनिंग था हाँ वो मेजर से मैंने, मुझे कहा था कि 2 महीने तक चलेगा आपको, तो हाँ 1 महीने पहले तो पूरा ट्रेनिंग चलेगा, उसके बाद प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, धीरे धीरे तुम सीखते रहोगे। तो मेरा परफॉर्मेंस देख के 3 वीक्स मुझे बहुत ज़्यादा, 3 वीक्स तक मैं ट्रेनिंग चला था, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया था। मतलब वो उस समय हाँ मेरा अभी भी काम चल रहा है। तो हाँ, तो वो लोग पूछते हैं कि कहाँ से किए हो, हाँ कहाँ के हैं, मैंने आपको मैं बताया जब पुणे से कैसे किए, पुणे में ना हाँ ऑनलाइन पे हुआ था, तो उसके बारे में सोचा कितने घंटे में हुआ है, सब कुछ पूछ रहा है, पूछते हैं सर। हाँ अब देखो तुमने अच्छा ओके किया, अब तो क्या है कि तुमने इंटर्नशिप में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर लिया था कि जो ट्रेनिंग अपना जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है, उतना बड़ा प्रोजेक्ट करने के बाद वैसे ही तुम्हारा अपने आप हाई हो गया था सब कुछ। हाँ अच्छा सर, बताओ उसमें उस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मिल जाता है। जी वो वाले प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताओ, जो तुमने फाइनल प्रोजेक्ट किया था उसमें क्या क्या लर्निंग तुमको मिली, जैसे कि जो तुमने किया था ना फाइनल, उसमें क्या लर्निंग मिली। हाँ सर, एक्चुअली मैंने जो उसमें गेस्ट, मुझे याद आ रहा है, तो एक्चुअली मॉडलिंग तो आप एक स्टेज के बाद कर लेते हो, लेकिन जो ड्राइंग रीडिंग होता है, हम जितने भी कहते हैं कि ड्राइंग रीडिंग बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, हम तो 5 साल से देख रहे हैं, लेकिन जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, जब G25, G+30, तब ड्राइंग कुछ अलग ही लेवल का डिटेलिंग आ जाता है उसमें, तो वो देख के डर लग जाता है एक आदमी को। तो मैं तो ऐसा हो गया था कि मैं बेसमेंट कर रहा हूँ, ड्राइंग फुल्ली समझ में भी नहीं आ रहा है, आपसे हाँ पूछ रहा हूँ कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कर रहा हूँ, करते 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 बिल्डिंग उठ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, हाँ उठ रहा है समझ में आ रहा है। तो G+24 तक जब तक नहीं उठा था मैं, तब तक समझ ही रहा था ड्राइंग क्या है। तो ये होता है कि ड्राइंग रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टास्क है, क्योंकि मॉडलिंग तो एक स्टेज के बाद आप कर ही लोगे, लेकिन ड्राइंग रीडिंग एक बहुत ही एक अच्छा चीज़ है जो जिसको करना चाहिए। स्पेशली हम लोगों का क्या चक्कर होता है कि हम लोग G+4, G+5, G+2 का ड्राइंग देखते हैं, जो कि वो बहुत ही बेसिक इजी लेवल होता का होता है। है। हाँ बहुत ईजी होता है, लेकिन जब हम लोग ज्यादा है, जिसका आपको जो प्रोजेक्ट था G+24 का, उसमें हाँ। इतना ज्यादा रेलिंग था, मैं कहता ये क्या है, इसमें इतना ज्यादा रेलिंग क्या करूँ क्या छोड़ू। तो दो चार दिन में अभी ऐसे ही चला तो जाता हाँ होगा। ऐसे ही चला जाता है, समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो अभी तो डेली का काम हो गया है ड्राइंग रीडिंग हाँ करना। हाँ तुम्हारा तो फाइनल अभी तो प्रोजेक्ट, बहुत, वो जो फाइनल प्रोजेक्ट था तुम्हारा, कितने दिन में कंप्लीट हुआ था वो वाला, मुझे याद नहीं है नंबर्स, बट हाँ सर, मुझे 12 से 13 दिन का 12 टाइम दिन लगा था। हाँ तो तभी तुम उतना टाइम फास्ट कर नहीं देते हो। लगता। हाँ, वो अभी तो लैपटॉप की बहुत प्रॉब्लम था। उस कंडीशन के जी सर, अकॉर्डिंग तुमने बहुत फास्ट किया है ठीक है हाँ सर, उस। वो उसमें पूरा दिन मैंने लगा देता था, हाँ सिर्फ जो लेट लेट नाइट तक करता था, 4-5 घंटे हाँ सोता था। तो हाँ हाँ बहुत मेहनत हुआ था उस 12-13 दिन, मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मुझे याद है कि अब 10 डेज का करीब टाइम दिया था, लेकिन मुझे नहीं हुआ था, तो दो तीन दिन बाद में मैंने दिया था, आपको मैंने बताया हुआ था, हाँ हाँ तो आपने भी बहुत कोऑपरेटिव किया है मेरे साथ, थैंक नहीं वो तो यू तुम सो मुझे बोल मच। रहे हैं, अरे कुछ नहीं है, जी तो सर, मुझे अब कैसे एज ए टीचर अगर मैं समझूंगा नहीं सामने वाले को, तो टीचर किस बात का ना, फिर तो जी क्या सर, बोलते जी हैं, सर, मैं बोलता हूँ ना मैं बिजनेसमैन नहीं, मेरे टीचर हूँ, मेरा काम है सिखाना ठीक है। और बिल्कुल वो सर, भी बिल्कुल सर, उसमें भी आजकल कैसे होता है सीखने के लिए, तो ठीक है फिलहाल यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो बोलता हूँ यूट्यूब से भी लोग सीख सकते हैं, बट मेंटरशिप बहुत जरूरी है, कब क्या हाँ सर, सीखना ये है। एक्चुअली क्या, हाँ बिल्कुल सर, सर एक्चुअली क्या होता है ना कि यूट्यूब पे तो है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज वे पे है, कि ऑर्गेनाइज्ड बहुत इधर उधर पे होकर रखता है, लेकिन हाँ आप जब
सब कुछ एक जगह पे एक मेंटर के साथ आप सीखते हो तो वो बहुत ज्यादा एज प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कोर्स में ही रह जाओ, आप तो हाँ उसके बाद भी यूट्यूब पे जा सकते हो ना। तो हाँ अगर कोई प्रॉब्लम आता है कि नेक्स्ट दिन पे सर से पूछूंगा या फिर वीकेंड है तो वीकेंड के बाद पूछूंगा, इससे अच्छा अगर टाइम है आपके पास यूट्यूब हाँ से भी आप सीख सकते हो। बहुत ज्यादा हाँ नॉलेज यूट्यूब पे भी है, बहुत ज्यादा नॉलेज। यूट्यूब तो मैं तो आपसे और यूट्यूब से, मतलब यूट्यूब और आप मेरे तो बहुत बड़ा गुरु है, ये मैं तो मानता हूँ कि लाइफ टाइम मानूंगा, क्योंकि यूट्यूब बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। तो आपका तो है ही एज ए मेंटर, आप नहीं तो बहुत बहुत अच्छा। ज्यादा गाइड किया अब जी ये अब सर। तुम एक फाइनल कुछ मैसेज देना चाहते हो क्या बच्चों को कि क्या बोलते हैं, कुछ भी तुम्हारा मन है कुछ बताने का है, या फिर जो लोग अभी इंजीनियरिंग करके कंप्लीट हुए हैं ठीक है उनको कुछ ऐसा तुमको मैसेज करना है तो बता सकते हो उनको तुम। जी सर, मैं सबको यही कह दो कि होप को कभी लूज मत होने देना। अगर खुद के अंदर पैशन है, अगर आप बाय चांस नहीं बाय चॉइस से अगर सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट हो, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप करते रहो। क्योंकि अभी तो बहुत हम जब बीटेक डिप्लोमा कर रहे थे तभी तो बीम के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। तो अभी तो सबको पता चल जा रहा है धीरे धीरे करके बीम का कुछ है, तो अभी तो और भी ज्यादा ओपन हो रहा है गेट। तो मैं तो यही कहूंगा कि सबको करना चाहिए, स्पेशली बीम में आना चाहिए अगर आपका पैशन है तो। हाँ, सक्सेस डेफिनेटली आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो भाई पहले कॉल पहले तो कर होता है कि रिज्यूमे भेज रहा हूँ आ नहीं रहा, आ नहीं रहा, एक टाइम के बाद आने लगता है, बहुत आने आने लगता लगता है। है हाँ एक, अच्छा सर, कि मुझे एक टाइम पे नेगेटिविटी भी आती है, अरे आ नहीं बहुत रहा ज्यादा है आते हैं जी आ सर। मैं नहीं। आपको 2-3 बार कॉल भी किया था, आपको हाँ परेशान भी कर रहा था कि क्यों नहीं नहीं आ रहा है सर, इतना भेज रहा हूँ वो क्यों क्यों नहीं आ परेशानी रहा है। लेकिन एक मैं बहुत जी रिलैक्स होकर सर, बोलता था ना आएगा। जी सर, वो आप समझ में आता है, तब तो समझ में नहीं आता था। तो ऐसा होता है सर, सबके लाइफ में भी आता है, हम उस टाइम को पार कर गया है तो ठीक है, सबको होगा एक टाइम जब आता है ना तो ऊपर वाला जब देखता है कि यार अभी ये बंदा परफेक्ट हो गया है ठीक है जी तो सर। फिर उसको वो गिफ्ट कर देता है कहता अभी आप तुम जी हो सर, उसके इसलिए बाद लाख भी सपोर्ट करता है सबको, लग भी मैंने सपोर्ट लाख करता लाख है। मैंने हाँ। तो इधर से उधर से मेरा तो ऐसा हो गया था कि पहले मेरा कहाँ पे भी नहीं आया था, उसके बाद मेरा 5 जगह से इंटरव्यू आया था, एक जगह छोड़ कर मेरा 4 जगह से ऑफर लेटर भी हो गया था पूरा। मतलब मेरा पहले एक बहुत बड़ा कंपनी था, उसमें सबसे पहले उस टाइम पे मेरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसमें हाँ मैंने हाँ मैंने तुमने बताया बोला भी था था, तो मुझे। उसमें उसमें नहीं हुआ था, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट में हो गया था। तो उसके बाद मैंने 2 महीने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, मैंने कहा क्यों नहीं हुआ, मैं उसका रीज़न ही ढूंढता रहा। तो उसके बाद मैंने बहुत मेहनत किया, उसके बाद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं ऐसा हो गया था कि कोई अगर मुझे ले ले, अगर मुझे नीचे सिलेक्ट ना करे तो वो उसका गलती है, मेरे गलती नहीं हो सकता। तो उसके बाद मैंने जितने जगह पर मेरा शॉर्टलिस्टिंग हुआ सब में ही सिलेक्ट हो गया सर। तो यही कॉन्फिडेंस तो आना नहीं चाहिए देखो सबको। ये अच्छा कैसे होता है, ये एक अच्छी चीज है कि एक बार हम फेल हुए तो हमें उसे लर्निंग ले ले। लोग क्या सोचते हैं अभी तो जी सर, तुमने डिमोटिवेट ना हो कि तुम क्या करने लगे, एक्शन लेने लगे भैया और मेहनत करना है। हाँ सर, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि गलती तो मेरा ही थी, उस हाँ दूसरे का तो मैं गलती नहीं दे सकता। तो इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मेरा प्रोसेस थोड़ा सा गलत था, क्योंकि मैंने उसके बाद 2 महीने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, डिमोटिवेट इतना हो गया था। हाँ तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं दूंगा तो ये गलती नहीं रिपीट होना चाहिए, क्योंकि बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन था, 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, LOD क्या होता है, मैं इतना नर्वस हो गया था कि मैं बोल ही नहीं पा रहा था। बोल तो सोचने लगे कि एक मैम था, तो सोचने लगे कि शायद इसको पता नहीं है, बहुत नर्वस है, ये क्या कैसे करेगा। हाँ, तो यही लेकिन ये होता है देखो सर। कि तुम्हारा एक सिलेक्शन नहीं हुआ वो कहीं ना कहीं अच्छा हुआ क्योंकि उसके बाद जो दो दो महीने तुमने मेहनत किया टेंशन ले लेके उससे तुम्हारा जी फिनिशिंग आ गया तुम्हारे अंदर जी सर, जैसे। बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाँ अगर वो रिजेक्शन नहीं होता शायद मैं इतना ज़्यादा अब ग्रो नहीं डेवलप कर नहीं कर पाते पाता ठीक मुझको। जी सर, बिल्कुल सर। हाँ उसके बाद ही मैंने एक्चुअली नहीं प्रॉपर एक्शन में आया था कि करना है। इतना कुछ पूछ सकता है। हाँ सर, मैंने हाँ तो एक लास्ट में आपका जब कोर्स हो गया तो मैं हाँ ऑटोडेस्क का एक छोटा सा 10 घंटे का आता है अच्छा बेसिक बारे में, जब हाँ एवरी टूल के बारे में, हाँ उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं रहता है, जस्ट इंट्रोडक्शन की तरह आता है। तो उसको पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया था। अगर आप जो डेवलपर है वही अगर आपको सजेशन दे रहा है कि आप इनफ है, इसका ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं कोई, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस कैसे नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो हाँ, तो ओके ऐसे ही खुद को तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। नहीं मुझे खुद ना अभी देखो मैं तुम लोग को कैसे कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, जो मैं पढ़ा दूंगा वही आएगा। ये कॉन्फिडेंस अभी तुम बोले ना मेरे जी को नहीं सर, लेगा तो फिर उसकी गलती है, ऐसे मैं बोलता जी हूँ सर, कि जो मैं पढ़ा दूंगा उसके बाहर से नहीं आएगा। ये कॉन्फिडेंस कैसे हाँ आएगा सर, हाँ तुम सर, लोग के बिल्कुल रिसर्च सर, से। क्योंकि हाँ लास्ट में तो मेरा ऐसा हो गया था कि वो लोग पूछने लगता था कि रिपीट में से कहाँ पे फंसाया जा सकता है, वो तो पूछते रहता है, फंसाना नहीं आता है। तो ऐसा हो जाता है एक टाइम के बाद कि आप बहुत एडवांस हो जाओगे तो हाँ
टाइम देना पड़ेगा, हाँ तो आपका अंदर भी लूपल होगा। जैसे कि मुझे डायनामो नहीं आता था, अभी हाँ अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। तो बिल्कुल हाँ, वो जो नहीं आता है उसको क्लियरली बोलना होगा कि नहीं आता सर, मैं अभी स्टेज पे नहीं गया हूँ, मैं बाद में सीख लूंगा। स्वाभाविक तो सी मुझे बात है, जैसे जैसे पूछा गया था सबको सब कुछ आना जरूरी जी। थोड़ी है, लेकिन जो आ रहा हाँ है वो ऐसा आना चाहिए कि मतलब हमसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, ये कॉन्फिडेंस भी जी बहुत सर, बड़ा चाहिए, बिल्कुल है सर, ना, जी सर। बहुत क्योंकि अच्छा। सब कुछ जो नहीं आता है उसको क्लियरली बोलना चाहिए कि नहीं आता सर, मैं इसको सीखूंगा, डेफिनेटली सीखूंगा, लेकिन हाँ अभी तक नहीं आता है। तो मुझे पूछा गया था डायनामो के बारे में, तो मैंने कहा नहीं सर अभी नहीं आए। तो उस क्यों नहीं आए, क्यों नहीं सीखा तुमने? मैंने कहा सर मुझे जो लगता है कि इस स्टेज में मैं ठीक से अगर रेबिट सीख लूँ तो मेरा जॉब लग जाएगा, उसके बाद मैं खुद को डेवलप कर सकता हूँ, मुझे टाइम होगा। सही बात है, तो ऐसे ही होता है, अभी तो तुम्हारा खुद को वर्क ऑनेस्ट रहना पड़ेगा सबके सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोले, खुद का जी सर, ऑनेस्ट। मैं लोगों को बोलता हूँ बस खुद से बात कर लो डेली कि मैं अपना काम सही कर रहा हूँ क्या, ठीक है। हाँ अगर हाँ मैं ठीक एज सर, ए टीचर बिल्कुल मेरा काम है कि मैं देखूँ कि मेरे काम में मैं गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूँ, अब गड़बड़ी जी सर, अगर मेरे को लग रहा है तो मुझे ठीक कर लेना चाहिए, हो सकता है गड़बड़ी, जी मैं सर, तो बोलता बिल्कुल हूँ। और तुम्हारा काम है, मेरी ट्रेनिंग में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब जितना लोग कर रहे हैं उससे ज्यादा, या फिर लोगों से छोड़ दो अपने से कंपेयर कर लो कि मैं हाँ सर, इम्प्रूव कर रहा हूँ बिल्कुल। डेली, और खुद से मैं तो ईमानदार सबसे होना। कहता हूँ कि खुद से कंपेयर करो खुद से, क्या आप जो आज किया हो कि उसके का इनफ है? और ऑलवेज मुझे आंसर आता है नहीं, मैं इससे ज्यादा अच्छा कर सकता था, बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता। तो ऐसे ही होता है, खुद को बिल्डअप। तो यही मैं कहना तुम्हारा चाहूंगा। अभी डेली का रूटीन क्या है, मतलब अभी कैसे कर रहे हो, ऑफिस कितने बजे हाँ सर्विस सर, दोगे? अभी तो लोकेशन शिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा मेरा टू डू लिस्ट गड़बड़ा गई है। तो हाँ, मैं खुद को ट्राई कर रहा हूँ फिट हाँ करने में घर आए हो, अभी ओके। तो। जी सर, वैसे मतलब तो थोड़ा हाँ टाइमिंग, ऑफिशियल टाइमिंग क्या है वैसे? ऑफिशियल मेरा एक्चुअली 9 to 6 या फिर 10 to 7, और सदा वीकेंड पे ऑफ हो रहा था, सैटरडे संडे। सैटरडे संडे ऑफ है? हाँ सर, बिल्कुल। अरे वाह क्या बात है। अच्छा क्या होता है, नहीं, हाँ इसका जरूरी क्या होता है ना, खुद को डेवलप करने का समय मिल जाता है, जी ठीक है। सर, मैं अपने जो तुम तो जानते हो गुरुकुल में अपने सैटरडे संडे क्यों ऑफ रखता हूँ, भाई हफ्ते में कुछ गड़बड़ किए हो ठीक कर लो, ठीक है, हफ्ते भर टेंशन में थे रिलैक्स कर लो, ठीक है। हाँ सर, लेकिन मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। हाँ, ये जो साइट पर जो लोग खटाते हैं लोगों को, मैं इसीलिए इरिटेट होता हूँ कि भाई जब तुम रात को 10 बजे जा रहे हो वापस को घर, सुबह 7 बजे फिर आना है, तुम अपने को कब जी रहे हो, ने? जी सर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मेंटल पीस ही नहीं है, खुद को मेडिटेट, खुद के बारे में सोच ही नहीं पा रहे। अब तुम क्या सैटरडे संडे मैटलिस्ट ये तो सोच लिए कि चलो कोई चीज 5 घंटे का है पढ़ लेंगे, चलो सैटरडे संडे में हो जाएगा, कोई किताब है चलो सैटरडे संडे को यार आराम से पढ़ जी सर, लेंगे, है ना। तो मुझे और अप्लाई करना है, चलो ठीक है, मतलब अभी तो तुम जॉब पे लगे हो, मान लो अप्लाई करना है सैटरडे संडे को, जॉब सर्च कर लेंगे, ये सब तो बहुत हाँ ढेर सर। सारे मैं काम तो है। टू डू लिस्ट को खुद का लिए मैंने वरदान की तरह मैंने यूज किया, क्योंकि टू डू लिस्ट में सब कुछ लिख देता है, 1 वीक बाद में क्या करना है, इस वीक में क्या करना है, हाँ 1 मंथ बाद में क्या करना है। मैं तो पूरा 6 मंथ का फ्यूचर मैंने सेट करके रखा था कि क्या करना है। मैंने घर को हाँ बोल भी दिया था जब मैंने स्टार्ट किया कि मेरा अगर हो जाए तो 2024 से पहले ही कुछ हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो ऐसा मेरा पूरा टारगेट था, तो हाँ अचीव हो गया। तो अभी भी आगे भी बहुत मैं कुछ भी करना है। अभी इस जी ये सर, इस ईयर से मैं भी, तो तुम जानते हो मैं टू डू लिस्ट तो डेली बनाता हूँ, लेकिन अभी इस ईयर से मैंने प्लान किया हुआ है, मतलब आपका भी कैसे, ये मेरा छोटा सा रेजोल्यूशन बता रहा हूँ, मैंने ये प्लान किया हुआ है कि नेक्स्ट वीक का भी प्लान हम रखेंगे। जैसे अभी मैं क्या जी रखता हूँ सर, कि मेरे को आज क्या करना है, मैं ये लिखता हूँ डायरी, मेरे पास जी अभी भी रखी हुई है और हमेशा रखी रहती है हमारे पास ही। लेकिन अभी मेरा प्लान है कि इस वीक का आज का तो ठीक है, अगले वीक का भी जी साला प्लान हमारा फिक्स होना चाहिए, हाँ सर, तो अगर नहीं भी है तो एक आइडिया तो होना ही चाहिए आइडिया कि होना क्या चाहिए। करना है। हाँ, तो लॉन्ग हाँ टर्म शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं सब कुछ सेपरेट कर रखता हूँ। हाँ, और एक प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या करते हैं, टू डू लिस्ट में सबसे बड़ा जो मिस्टेक होता है, सब कुछ एक दिन में ही डाल देते हैं, हाँ उसके बाद कर नहीं पाते। नहीं कर तो पाते हैं। ऐसा तो करेंगे तो और भी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे आप लोग, तो खुद अच्छा के कैपेसिटी तो इसमें हाँ जी इससे सर, अच्छा मैं क्या मानता हूँ ना पॉल, की उतना लिखो कि थोड़ा सा ज्यादा कर लो। हाँ ये तो आप सही कहा, लेकिन हाँ मुझे जो लगता है कि हाँ मेरा तो ऐसे ही मैं भी करता था, तो क्या हाँ होता है कि मैं बहुत ज्यादा लिख देता था, मतलब 1 1 मिनट का भी मैं छोड़ता नहीं हाँ था टू लिस्ट में। तो इसमें क्या होता है ना, आपको एक टाइम के बाद, क्योंकि आपको समझना भी है, वीडियो को देखना हाँ भी है और समझना भी है। हाँ तो मेरा जो फंड है, अगर आप 1 घंटे का वीडियो देख रहे हो, उसको क्रैक करने में आपको 2 घंटे तो जाएगा ही, जाएगा जाएगा एक बार 2.5 3 घंटा भी जा सकता है, उसका कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या होता है ना, टू डू लिस्ट पे हम लिख देते हैं कि 1 घंटा ही उसको देना है, तो इसमें नहीं ना तो आपका सेल्फ ग्रोथ होगा, नहीं तो आपका कुछ भी हो पाएगा। तो एक बिगिनर टाइम में मेरा भी बिगिनर मिस्टेक था, हाँ बाद में मैं उसको समझ गया, तो होता है नहीं सर।
नहीं मैं तो जी चलो सर तुम्हारा तो कैसे तुम एज स्टूडेंट तुम सही बना रहे हो, मैं मुझे तो जी सर अपना एज ऑफिस बनाना होता है तो फिर मैं क्या प्लान करता हूँ, मैं कम काम जितना कम हो सकता है इतना ही काम करूंगा आज, ऐसा फिक्स कर लेता हूँ, उससे ज्यादा कर लेता हूँ तो फिर ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस की यार टू डू लिस्ट को भी क्रॉस हाँ किया सर है। और बिल्कुल सही, सर और मैं भी पहले ऐसे ही करता था, मतलब हर कोई करता है गलती, मैं भी करता था कि आज इतना 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 काम हो जाएगा, सच्चाई होती थी कि नहीं कर पाता था, तब लगता था यार अपने कैसे होता है अपनी नजरों में गिरना नहीं चाहिए इंसान को, जी सर, है क्योंकि अगर हम लोगों से सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसको समझना भी है ना, क्योंकि ना। आप पढ़ते ही रहोगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कुछ कुछ फायदा नहीं होगा एंड ऑफ द हाँ डे, तो ठीक है। एक टाइम तो चैनल, देना पड़ेगा खुद एक को। चैनल है कभी देखना फ्री हो के, बड़ा अच्छा है, अंकुर वारिकू करके सर है, ठीक है, हाँ सर काफी मैं उनके वीडियोस देखता हूँ तो मतलब मुझे अच्छा लगा उनका, एटलीस्ट मतलब लोगों को बता तो रहे ना कि करना क्या है, ठीक है, जी सर, ना मैं और फॉलो करता हूँ ऑलरेडी। हाँ करते सर हो ना। बहुत है, टाइम मैनेजमेंट का स्पेशली वो मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरा, मैंने पहले ही बताया था शायद कि मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब था पहले, बहुत ही ज़्यादा खराब था, तो उसको मैंने जो अभी है तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हो गया है, तो ये तो टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं हाँ क्योंकि हम मैं लोग ऐसा हो जाता है कि 1 घंटे के जिसमें देना चाहिए तो पूरा दिन 1 घंटे के कंटेंट में ही दे देते हैं, दे तो देते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है जो मेरे साथ हुआ है, तो मैं इसलिए इसमें इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, कई लोग टू डू लेट लिस्ट को जाएंगे, बनाऊं और फॉलो करता हूँ। जी कई सर लोग बिल्कुल लेट लेट जाएंगे फिर क्या होता है, वो मतलब फोकस कुल मिला के होना चाहिए। तो एक जी सर तो तुम तो जानते हो मैं संदीप महेश्वरी सर का वीडियो देखता हूँ, अभी रिसेंट जी में 1-1.5 महीने से इनका अंकुर वारिकू सर का देख रहा हूँ, काफी जी अच्छा सर कंटेंट है इनका, और मतलब जो अच्छा है उसको अप्रिसिएट करना चाहिए, तो जी मुझे सर ऐसा हाँ सर लगता है उनका कि बड़े को सर का मेरा जो टाइम मैनेजमेंट का है तो उसमें देखा था, मुझे हेल्प हाँ मिला था, बहुत ज़्यादा मिला था, हाँ, तो मुझे तो मतलब प्रैक्टिकल चीज़ तो हेल्प करेगा ही। मैं YouTube चलाऊंगा तो मेरे को बस अच्छा, ये होता है कि जो देखते रहो वही वही आता है, तो मेरे को भी अच्छा है कि बस मुझे दो ही चीज़ हाँ देखना सर होता है, ठीक है, एक संदीप महेश्वरी का कोई वीडियो आया तो वो देखूंगा, एक अंकुर वारिकू का है तो वो देखूंगा, और हाँ लॉन्ग सर वीडियो तो ये लॉन्ग भी वीडियो। है जी सर, तो हाँ इसमें भी है, क्योंकि मेरा जो पहले का ईमेल आईडी में जो मैं यूट्यूब देखता था तो उसमें सर मूवीज आते थे, सॉन्ग्स आते थे, हाँ तो मैंने क्या किया, सिर्फ बीम में फोकस करने के लिए मैंने मेरा ईमेल आईडी चेंज कर दिया यूट्यूब बहुत में, बढ़िया, उसमें सिर्फ मैंने डेविड और बीम का टॉपिक देखता था, तो अभी मेरा जो वही यूट्यूब आने खोलता हूँ लगा, तो वही सब आता है, तो बहुत हाँ बढ़िया, खुद को तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा करना पड़ेगा। इसके नहीं लिए एक्चुअली कैसा होता है ना, इधर। मेरा ये मानना भी जैसे कि लोग पूरा का पूरा टाइम किस में लेके जाते हैं, रील्स में, अभी मैं मतलब रास्ते से आ रहा हूँ, ऑटो वाला ऑटो चला रहा है बट वो रील्स देख रहा है, लड़ेगा मरेगा यही तो होने वाला है ना, तो इसकी जी जगह सर पे अगर मेरे को हाँ बिल्कुल सर बहुत गलत आदत है, मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग वीडियो देख लो, ठीक है, 1 घंटा फोकस होके, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने वीडियो का प्रचार कर रहा हूँ बट सच्चाई है कि अगर 1 घंटे का बिल्कुल वीडियो देखा तो कुछ सीखा, कुछ यहाँ सेट होगा, है ना। जी सर तो मेरे को आप तुम कुछ बोल रहे थे, मैं बीच में इंटरप्ट कर दिया, कुछ बोल हाँ रहे थे क्या। सर मैं यही बोल रहा था, तो गाइस आप लोग एक्चुअली मेरे क्या है को, ना उसका भी कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है, वो भी चाहता है, लेकिन एक कंप्यूटर इंडस्ट्री ऐसा है कि ऐसा ऐसे एसईओ हाँ है कि अगर आप एक बार सर्च कर लोगे तो आपका गलत कंटेंट ही आएगा, सही कंटेंट हाँ बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा, तो सर्च करना ही नहीं है गलत, फिर भी हाँ आएगा लेकिन कम आएगा, अवॉइड तो करना ये ऐसा एक्चुअली उसका भी प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी कोई गलती नहीं है, बिकॉज वो मेंटेलिटी ऐसा है कि ना, है ना कि नहीं, वो उसका वो जो कंटेंट है वही हम लोगों को अच्छा लगता है मेंटल मेंटली, हाँ। हाँ तो ऐसा हो जाता है, लेकिन हाँ खुद को उसको तो क्रैक करना ही पड़ेगा सर। देखो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, जैसे कि आज मैं गया था टेंपल, तो टेंपल में एक बड़ी अच्छी चीज सीखा मैंने, तो वहां पर एक मतलब संत बोल सकते हैं उनको, तो उन्होंने एक बड़ी चीज बोली कि गीता दिखाया उन्होंने, बेसिकली उन्होंने बोला कि नाउ लाइक ये कब बोला गया था, तो मैं भी था तो मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, तो मैंने बोला कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब तो भी उन्होंने बोला था, तो बोले कि क्या बोलते हैं, मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि इसको सिर्फ महाभारत के टाइम पे पढ़ना चाहिए, अभी कोई बुक को उसी टाइम पे पढ़ना चाहिए जब लड़ाई हो, तो फिर उन्होंने बोला आपको पता है इस समय भी आपके पास दुश्मन है, इस समय भी आपकी लड़ाई हो रही है, तो कई लोग सोचे कि मतलब सोच रहे ना कि किस चीज से, तो उन्होंने बड़ी चीज जी बोली सर कि आपकी जो ये 5 इंद्रिया जैसे कि काम क्रोध, काम बोलते ना काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, यही तो इंसान को मतलब इंसान का सच्चा दुश्मन तो यही है ना, हर हाँ चीज में सर लोभ आ बिल्कुल जाता है, लोभ आ गया तो लोग एक दूसरे को तक मर्डर तक कर देते हैं लोभ के चक्कर में, जी अहंकार आ सर जाएगा हमसे अच्छा कोई नहीं है हम तो हाँ सर ये तो कमजोरी बहुत है, बुरी चीज़ है, ठीक ईगो तो बहुत बुरी चीज़ तो है ये क्या एक्चुअली ये दुश्मन है तुम्हारे, ठीक, काम क्रोध जी मोह सर लोभ अहंकार ये तुम्हारे दुश्मन है और ये तुमसे लड़ रहे हैं, तो इस चीज को हम अगर विन कर लें इनसे, इनसे जीत जाए, ठीक है, मन जी को सर मन जब मैं बोलूंगा तभी मन, जो तुमने बोला ना कि जो मुझे चाहिए वही मैं वॉच करूंगा, इस ये जी मन को सर चाहिए
ये इसके लिए सही बड़ा है सर। स्ट्रांग होना पड़ेगा इसके लिए बहुत हाँ ज्यादा। सर, खुद को पागल होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, कॉमन मैन से नहीं होगा, अगर को पागल होना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बड़ा करना है वो, तुम्हें। हाँ सर, क्योंकि आप बोलते थे कि मिनिमम 6 घंटा पढ़ना है, तो मुझे तो हाँ याद नहीं मैं कितना घंटा पढ़ता था, मैं पूरा दिन हाँ ही पढ़ता था, हाँ नींद जो खुल गया मतलब हाँ मैं पढ़ूंगा, ऐसा हो गया हाँ था लास्ट में, तो ऐसा हो गया था कि घर के लोग बोलते यार कुछ बाहर भी निकलो, घूम हाँ फिर से के आओ, पहले तो डांटते थे कि बाहर क्यों, जब मैंने इतना घूम क्यों रहा हो, तो अब बाद में वो भी नहीं था, क्योंकि खुद के घर के हाँ वाले भी बोलते हैं कि बाहर हाँ थोड़ा जाकर टहल के आओ, उनको लगता अच्छा है कहीं लगेगा, पागल वगल ना तो हो जाए और क्या कर रहे हो ठीक पूरा दिन लैपटॉप में बैठे रहते हो, हाँ उठता भी नहीं, मैंने ऐसा हो गया था कि नहीं फोन नहीं तो लैपटॉप, फोन नहीं तो लैपटॉप, मेरा यही जिंदगी इसलिए हो गया था लास्ट 6 7 मंथ। अब देखो कि सिक्स हाँ सेवन मंथ तुमने उसको दिया, उसने तुमको जी सर, इतना अच्छा गिफ्ट दिया कि तुम अब सैटरडे संडे आराम से बैठ रहे हो, उसने तुमको जी इतना अच्छा सर, गिफ्ट दिया कि तुम्हारे घर में एक अच्छा खाना बन रहा है, ठीक है, छोटी छोटी खुशियां, इसी से खुश हो जाना चाहिए इंसान को, हाँ सर, ठीक बिल्कुल है, सर, मैं ठीक है, तो इस तो छोटी छोटी खुशी का ढूंढता था, मेरा हाँ एक टाइम पे ड्रीम भी था कि मैं ऐसे फार्म में जाऊं, ऐसे सेटअप मेरे सामने हो, मेरा हाँ रिस्पेक्ट भी मिले मुझे, हाँ अब तो सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ एक है। टाइम पे वो ड्रीम था, अब तो आ रहा है मेरे पास, अब अच्छा देखो लग रहा भाई, है। कोई अगर तुम कॉन्ट्रेक्टर के अंदर में होते तो गाली गलौज से बात होती, फिर माइंड सेट उसी लेवल का बन जाता, कुल मिला के झंझट था, ठीक है। जी सर, और इसमें क्या है, इसमें तुमको पता है कि ग्रोथ की लिमिट नहीं है, सीखते जाओ जी ग्रोथ सर, करते जाओ। तो ऐसा तो हो गया कि मैं, मुझे तो अभी लग रहा है कि मैं बहुत छोटे पोजीशन पे हूँ, बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी भी बहुत बहुत कुछ कुछ है बाकी है जिंदगी में, बहुत कुछ बाकी है, तो बहुत हाँ कुछ है। मैं इसलिए सीखना तो बोलता हूँ ना पड़ेगा। कि एवरी डे अभी भी हमें क्या करना चाहिए, मैं तुमको सजेस्ट करूँ, क्योंकि अभी भी हमको डेली कुछ ना कुछ सीखना है, नहीं कुछ तो जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ ना, मॉडल बना के लाओ, एनालिसिस करके लाओ, नहीं पूरा कर पाते हो 10% करो, अब जी सर, उससे क्योंकि अच्छे प्रोजेक्ट के जरूरत है। बिना नहीं होगा, ओनली टूल से नहीं होता है, हाँ प्रोजेक्ट नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं और हाँ होगा नहीं, तो लोग ये टूल्स मैंने गलती भी है। सीख रहा था पहले तो नहीं हो रहा था, हाँ लेकिन जब प्रोजेक्ट करने में ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया तो बस सबसे उसके ज्यादा बाद ही उसके पीछे लग जाना, जैसे कि लोग क्या होते हैं, लग जाना। एक एक होता जी है ना सर, कि जिसने जो बोल दिया मैंने किया ही नहीं, इसका मतलब वो गया ही नहीं उसके अंदर, जो बोला भैया हमने जी जी 20% किया, 30% किया, अच्छा तुमने शुरुआत तो किया ना, लगे हाँ तो सर, गए ऐसा हैं। बिल्कुल होता है, क्योंकि हाँ मुझे भी बहुत फ्रेंड फोन करते हैं कैसे किया, अभी जो होता है ना, तो अभी फोन कर रहा है कैसे गया, कैसे हुआ, कहाँ से पढ़े हो, तो मैंने बाद में भी उससे कांटेक्ट भी किया कि क्या कर रहे हो अभी, तो वो लोग ना उसके बाद कोई, उसके बाद नहीं, कोई टॉपिक डिस्कस ही नहीं होता है, उसके बाद वो लोग उनको भूल जाता है उस, क्विक चाहिए हाँ सर, उनको। हाँ सर, उसके बाद 1 महीने बाद फिर डिप्रेशन में जाएगा, फिर कॉल करेगा, तो ऐसे तो नहीं होता है, आपको तो लगना पड़ेगा उसके पीछे पागल अभी की तरह। जी सर, आजकल जो ज्यादातर लोग कॉल करते हैं ना, सर क्विक जल्दी से कुछ बता दो, अब अगर मुझे, मतलब हाँ सर, वो मेरी जो कहावत है कि उस दिन ही फलते नहीं जिस दिन बोते आम, ठीक है, आज आम का बिल्कुल पेड़ सर, लगाया हो, कल बोल रहे हो पक्का वाला आम चाहिए बढ़िया जो दशहरी वाला हो, नहीं पॉसिबल है, इट जी विल टेक टाइम एंड मजा आ गया। चलो सब इसी बहाने तुमसे कॉल बात भी हो गई इतनी देर तक, और जी सर, डेफिनेटली इस बात से लोग सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या सीख सकते हैं हम लोग, कंसिस्टेंसी के बारे में बात किए, कंसिस्टेंसी यस सर, सीख कंसिस्टेंसी, सकते हैं। दूसरी चीज़ टू डू लिस्ट के बारे में हम लोगों ने एक बहुत अच्छी बात की आज, तो ये लोग सीख सकते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं ना वीडियो को, उनके अंदर ना पेशेंस है, और उनके अंदर मुझे लगता है ऐसा कि वो लोग कमेंट भी करना, आप लोग कौन कौन यहाँ तक देख रहा है, अगर यहाँ तक देख रहे हैं मतलब उनके अंदर एक धैर्य है कुछ बनने का, नहीं तो वो जो टाइम पास जी वाले सर, होंगे ना क्विक वाले, वो तो 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट में निकल गए होंगे, ठीक है, तो बिल्कुल उनको सर, ये चीज़ सीखना चाहिए कि टू डू लिस्ट हमारा जरूर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, एंड डेफिनेटली अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है तो उस फील्ड का एक अच्छा मेंटर आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है। नो डाउट आपको पॉल के बाद से सीमा में आ गया होगा कि BIM अगर करना है तो गुरुकुल आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, ठीक है। मैं पॉल चाहता हूँ कि एक दो तुम्हारे कुछ गेस्ट लेक्चर भी रखा जाए, सैटरडे संडे में जिस दिन भी तुम फ्री रहो, एक दो मैं तुम्हारे बिल्कुल लेक्चर्स सर, रखना एनी चाहूंगा, टाइम सर, मैं ठीक तो है, तो क्या जैसे बोलूँ आप नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम आओ, ठीक है, और क्या जी बोलते हैं कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि एक सर, देवयानी करके हैं बहुत अच्छा, वो भी आते हैं, और भी जी मैं सर, चाहता हूँ कि तुम लोग भी ऐसे धीरे धीरे, मतलब ऐसे कि जस्ट फॉर फन सैटरडे संडे करेंगे क्या, चलो कुछ सीख लेंगे ऐसे, है ना, ये सर, हाँ, मेरा ठीक भी है। यही, हाँ बिल्कुल सर, मुझे एक बात हाँ याद आ गई, क्योंकि हाँ मुझे भी एक आपसे बात करना था, क्योंकि जो भी आप प्रोफेशनल आ गया है, आपके गुरुकुल के स्टूडेंट जो था अभी प्रोफेशनल हाँ लाइन पे आ गया है, हाँ तो उनका एक आपके आप हो सकता है तो एक ग्रुप बना सकता है व्हाट्सएप पे, कि हम लोग खुद से ही बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बात होता है जो भी हाँ भिकास भाइया है, हाँ MD कलम है, तो हाँ शुभम है, तो मैं भी बात करता हूँ, लिंक्डइन से बात तो होता है, वो व्हाट्सएप नंबर भी अभी तो आ गया है, तो हाँ अच्छा लगता है, अगर वो लोग ना, मुझे जब नहीं हुआ था, मैं तब से हाँ कॉन्टेक्ट में हूँ, तो वो लोग बहुत मोटिवेट करते हैं आपको,
कलाम से तो मैं बहुत बार बात किया हूँ, उसके हाँ बाद विविका भैया से भी बहुत बात करता हूँ, हाँ एवरी टाइम दे मोटिवेट। और तो ये लोग कितने अच्छे भी हाँ हैं। हाँ ये तो हाँ, पहले तो कोलकाता में था कलाम, अभी भी है। कलाम नहीं, कलाम आ गया अभी। हाँ हाँ कोलकाता में ही है, दुर्गापुर में है वो। कलकत्ता में, पिनाकल में है। हाँ सर, दुर्गापुर हाँ बात हुआ था। में। तो हाँ, तो आपको तो कांटेक्ट थोड़ा सा बिल्ड करना पड़ेगा, बॉन्डिंग हाँ करना पड़ेगा, कनेक्शन रहना पड़ेगा। तो ऐसा हाँ, कुछ यही प्लान मैं कर रहा करते था कि हैं। आप अगर ऐसा कुछ ग्रुप क्रिएट कर हाँ सकते हैं प्रोफेशनल के लिए। हाँ हाँ कि जी एटलीस्ट सर, एलुमिनीज जो है वो दे कैन मोटिवेट अदर्स। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा यस किसने सर, अच्छा यस रख सर, दिया। क्योंकि मुझे ना ऐसे कोई एक बंदा, तुम सर्च करना कोई अगर अच्छा लड़का होगा जो कि पढ़ाई भी कर रहा होगा और अपने साथ सीख भी, मतलब अगर तुम्हारे पास कोई रहेगा तो तुम रिकमेंड करना है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से कोई आ जाए। ठीक है, वो बस इतना सा काम करते हैं कि लोगों को, जैसे कि अभी मैं पॉल तुमको कॉल करूंगा, तुमको कर दिया बट कितने लोगों को करूंगा। तो ऐसे मेरे साथ जी अगर सर, कॉल के लिए जुड़ना चाहे कोई कि भाई लोगों को अरेंज कर दिया, आज भाई मीटिंग है आप लोग आओगे ऐसा अटेंड करके, तो ये फिक्स हो गया कि चलो इस सैटरडे संडे को या इस संडे को पॉल आएंगे, 1 घंटे का लेक्चर है इनका, नेक्स्ट टाइम कलाम का कर दिया, नेक्स्ट टाइम विकास। बहुत से बच्चे अपने पास, जानते हो कितने बच्चे हैं। ठीक है, हाँ सर, तो हाँ बिल्कुल, थोड़े थोड़े अगर ऐसे एक एक लेक्चर भी हो गया, लोकेश का हो गया, सौम्यक का हो गया, ठीक है, एंड तो क्या होगा, एटलीस्ट लोगों को भी सीखने को मिलेगा और इसी जी बार सर, एक बिल्कुल। एक कहते हैं ना कि इंटरेक्शन भी हो जाता है। हाँ सर, इंटरेक्शन ठीक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो होता है ना, कभी कभी बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो अगर सीनियर उसके साथ टच में है, अगर और उसका खुद का कंपनी के अंदर कोई ओपनिंग है, तो वो भी वो डाल सकते हैं। तो हाँ, इस बहुत मदद हो जाता चलो तुमको है, क्रिसमस। हम लोगों के लिए भी मदद हो जाता है, क्योंकि हम लोग अगर स्विच करना चाहते हैं, सब कुछ हाँ अच्छा ही होगा। चलो, ठीक सर, तुम्हें टोटल ये मेरा मैं, रिक्वेस्ट है एक्चुअली। नहीं अरे रिक्वेस्ट क्या, तो ये सही बात जी बोल रहे हो एक्चुअली। मुझे भी मतलब मैं खुद भी सर, चाहता हूँ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मतलब ड्यू टू वही बोला ना, किसी कॉल करके सबको क्लियर करना एक पर्सन के जी लिए सर, मैनेज करना संभव नहीं हो पाता हाँ है हाँ कभी वो तो कभी। है सर, तो मैं बिल्कुल चाह रहा सर, हूँ ऐसे किसी को मैं साथ में रखता हूँ कि जो सीख भी ले मेरे से और साथ में पार्ट टाइम अगर उसके पास समय है 1 घंटे का आधे घंटे का, तो इन चीजों को अरेंज कर लेता है तो अच्छा रहेगा कि चलो उसका भी हेल्प बिल्कुल हो। सर, डेफिनेटली मैं किसी को फ्री में तो नहीं रखकर काम करने देता हूँ, उनको कुछ हाँ ना कुछ बिल्कुल, स्क्रिप्ट मेरे को मैं दूंगा उनको और उनका भी फायदा हो जाएगा। चलो पॉल, मजा यस आया सर, पॉडकास्ट करके, यस अच्छा सर, लगा। बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, पहले मैं हाँ नर्वस भी हो गया तुम्हें, था, क्योंकि मैंने पहले देखता था कि पॉडकास्ट आता था, तब मैं इन्वॉल्व भी नहीं था बैच में, तो अभी तो हाँ मैं कर रहा हूँ नहीं आपके साथ, तो बहुत नहीं ज्यादा एक दिन एक्साइटमेंट है। मैं सोचा कि क्या बोलते हैं ग्रुप में, मैंने एक ग्रुप में मैसेज डाला, सारे ग्रुप में मैं डालना भूल गया। मैंने सोचा था कि डाल दो ग्रुप में कि जिसको पॉडकास्ट करना है खुद से आ जाए। ठीक है, कल तुम्हारा वो तुमने क्रिसमस का वो लगाया था, हाँ ठीक सर, है, हाँ और सर, बिल्कुल, तुम्हारा कल ही मैंने पोर्टफोलियो क्लास में दिखाया था, दोनों चीज मैच कर गया। तुरंत ही मैंने तुमको अच्छा मैसेज सर, किया, मुझे अच्छा लगा तुम्हारा क्रिसमस वाला जो तुमने वो फोटो डाला हुआ था, तो मैं कहा चलो हाँ ये तो अच्छा रहेगा। और मुझे ये भी आइडिया लग गया कि तुम छुट्टी पे जरूर आए होगे, तो दो कॉम्बिनेशन जुड़ गया। हाँ सर, मैं ट्रेन पे ही था तब, जब आपका मैसेज आया तो मैं ट्रेन पे ही था। हाँ चलो, थैंक यू। जी सर, एंड पॉल, जल्दी हम लोग मुलाकात करेंगे किसी सेशन में। मैं सैटरडे संडे जी में सर, कोई प्लान करता हूँ, ठीक है, आना बिल्कुल किसी सर, लोगों के हाँ, साथ एनी टाइम इंटरेक्ट सर, करना, और कैसे होगा लोगों के क्वेश्चन लोगे तो तुम्हारा भी दिमाग जाएगा, अच्छा हाँ ये भी यार अपने को आना चाहिए, तो तुम्हारा भी ग्रोथ होगा, तुम्हारे वजह से जी उनका सर, ग्रोथ होगा। तो ये दोनों हाथ पर जी सर, तालियां बज गई, न्यूटन का थर्ड यस सर, लॉ, एक्शन और यस रिएक्शन दोनों साथ आ गया। डेफिनेटली ठीक सर, है, चलो बाय यस बाय। सर, एंड क्या बोलते हैं, तुम अपना मुझे ना वो जो ऑफिस वाला एड्रेस है वो एड्रेस शेयर कर देना, तो और क्या बोलते हैं उससे क्या होगा ना, मेरा एक छोटा सा गिफ्ट रहेगा तुम्हें, तो वो पहुंच जाएगा तुम्हारे पास कुल मिला के। ठीक है, जी चलो सर, बाय बिल्कुल सर, बाय, मिलते हैं जल्दी। हाँ थैंक यू सर, चलो, थैंक यू सो मच। ओके।